हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइफ विद किड्स ट्रैवल एंड मोर। आज मैं अमेज़ॉन का प्रोडक्ट अनबॉक्स करने वाली हूँ। मैंने अमेज़ॉन से टिफेल ब्रांड का चॉपर ऑर्डर किया है। फटाफट से खोल के देखते हैं कि चॉपर कैसा है। पैकिंग देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेट्स ओपन नाउ। चॉपर मुझे अच्छा खासा ऑफर में मिला है, सिर्फ 59 दिरहम में मिला है, जो कि इसका एक्चुअल प्राइस है 99 दिरहम। वो मैंने अमेज़ॉन से शॉपिंग किया है, मुझे प्राइस वाइज अच्छा लगा। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद परचेस की है। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका प्लास्टिक का बॉडी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग क्वालिटी का है। मेरे पास जो पहले वाला चॉपर था वो उतना अच्छा नहीं था, क्वालिटी वाइज ठीक ठाक था, लेकिन जब चॉपिंग करती थी उसको खींच के तक जाती थी, फिर भी वो उतना अच्छा फाइनली चॉप नहीं हो पाता। गजब बेइज्जती है। प्लीज बी केयरफुल, द ब्लेड्स आर वेरी शार्प। ये है इसका कैटलॉग जो कि हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चाहे तो ये कैटलॉग को रेफर कर सकते हैं कैसे यूज करना है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि 5 सेकेंड चॉपर, हर तरह के चॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे वेजेस चॉप कर सकते हैं, ओनियन, टमाटो, कुकुम्बर, और आपको रायता भी अच्छे से तरीके से बना सकते हैं इसमें, बहुत कुछ वेजिटेबल्स डाल के। ये कुछ ब्लेड जैसा मिला है, लेकिन ये ब्लेड नहीं है, ये इससे अटैच करना है। देख लेते हैं कैसे काम करता है। अब मैं इसे प्लेस करूंगी और चेक करूंगी। दिखने में तो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, चॉपर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी बड़ा है, 900 ml का है। लेट्स ट्राई नाउ, चेक करके देख लेते हैं कि प्रोडक्ट वाकई काम करता है या नहीं। अब मैं इधर कुछ ओनियन ले रही हूँ, लेट्स चॉप ओनियन नाउ। वाह, काफ़ी अच्छे तरीके से चॉप हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बारीक से चॉप किया हुआ है। आप आसानी से अच्छे तरीके से चॉप कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है, और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही स्ट्रांग है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। और नेक्स्ट वेजिटेबल चॉप करूंगी कैरेट। आप सबको तो पता ही है कैरेट बहुत ही हार्ड होता है, देख लेते हैं कैसा चॉप होता है इसमें। अरे वाह, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप हुआ है। टू बी फ्रैंक, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ रायता। यहाँ पे मैंने कुछ वेजेस लिए हैं, थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा सा ओनियन और कुकुम्बर। यहाँ पे डालूँगी 1/2 कप के करीब दही, और थोड़ा स्प्रिंकल करूँगी सॉल्ट, और स्प्रिंकल करूँगी रोस्टेड कुमिन पाउडर, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। आप चाहे तो ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किप करूँगी। वाह, सच में ये वर्थ बॉइंग प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे से चॉप किया है, फाइनली चॉप किया है। मैंने रायता को टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा।
इवन मेरा बच्चे लोग भी खा लिया, बहुत अच्छा लगा उनको। ये बच्चे शौक से खा लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये रायता। और वाकई ये मुझे बहुत आसानी से मैं इसमें रायता बना सकती हूँ। फाइंड ये चॉप वेजिस जो कि मैं हाथ में, ऐसा चॉपिंग इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है। हमारे इंडियन किचन में वेजिटेबल चॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम आसानी से चॉप कर सकते हैं हर तरह के वेजिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।